BXI वेरियंट हो तो यहाँ पे ना आपको फ्रंट के फॉग लैंप्स नहीं मिलते रहे। सबसे पहले तो मैंने ये सारे जो पार्ट्स हैं ना ओरिजिनल पार्ट्स हैं और ये मैंने ऑर्डर करे हैं बोर्डमो से। जैसे ये स्विच आप देख सकते हो, ये जेनुइन जैसा स्विच आता है आगे फॉग लैंप का, और जेनुइन एक वायरिंग है जो कि मारुति की गाड़ियों में लगते हैं, बाकी उनको लगा के दल पीछे इसके फॉग लैंप लग जाएगी। तो ये यहाँ पे पहले से जगह स्लॉट्स बने होते हैं, तो इन स्लॉट्स को निकाल के ये स्विच यहाँ लगता है। बिल्कुल OEM टाइप टैकोमीटर की वीडियो जो होगी मैं जल्द लाऊंगा। तो मैं जो मैं काम करवा रहा हूँ ये मैं यहाँ पे आया हूँ कपूर कार एक्सेसरीज में, ये कुछ एक्सपीरियंस बंदों से ही काम करवाए आप। तो आज की वीडियो में ना कोई कार बाजार वगैरह कवर नहीं करेंगे, तो आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। बिकॉज अगर आप भी कहीं जेनुइन OEM पार्ट्स मंगवाते हैं तो आपको कहाँ से वो मंगाने चाहिए, तो कैसे आपको इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे ये हमारे पास एक गाड़ी है एक कार सिटी यूज के लिए है, ये हमारा BXI वेरियंट हो तो यहाँ पे ना आपको फ्रंट के फॉग लैंप्स नहीं मिलते थे। अब लगवाने को मैं यहाँ पे आफ्टर मार्केट जाके यहाँ पे 2-3 हज़ार वो लगवा सकता था फॉग लैंप्स, तो मेरे को पता है कि वो 5-6 महीने चलेंगे, देन उसके बाद जब बरसात का सीज़न आता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसी के लिए ना मैंने ये OEM जो ओरिजिनल पार्ट्स आते हैं मारुति सुजुकी की, ये वैगनआर में आ जाएंगे, स्विफ्ट में आ जाएंगे, तो वो पूरा मैंने यहाँ पे ऑर्डर करके रखे हुए हैं। मैं हर एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करता हूँ कहाँ से मैंने ऑर्डर करा है। सबसे पहले तो मैंने ये सारे जो पार्ट्स हैं ना ओरिजिनल पार्ट्स हैं और ये मैंने ऑर्डर करे हैं बोर्डमो से। अगर आप में से किसी को पता नहीं है तो बोर्डमो में आपको ओरिजिनल पार्ट्स जो होंगे वो हर एक कंपनी के हर एक पार्ट होगा वो मिल जाएगा ज़रा इजली से, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आपको। और जैसे कि ये मिंडा की लाइट्स है जो ऑटोमोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो उनको पता होगा कि मिंडा एक कंपनी है जो लाइट्स वगैरह में डील करती है। सो ये जेनुइन पार्ट है। और जैसे ये स्विच आप देख सकते हो, ये जेनुइन जैसा स्विच आता है आगे फॉग लैंप का, ऑन ऑफ कर सकते हो आप इसको। बाकी ये वायरिंग हार्नेस है, वायरिंग किट आप इसको बोल सकते हो। तो ये जेनुइन एक वायरिंग है जो कि मारुति की गाड़ियों में लगते हैं, बाकी ये फ्रंट के फॉग लैंप वैसे, तो यहाँ पे आप इनको लगा के दल पीछे इसके फॉग लैंप लग जाएगी। तो ये हर एक चीज़ जो है वो आपको बोर्डमो से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप इजीली से ढूंढ सकते हो हर एक गाड़ी के, लेकिन वायरिंग हार्नेस में ना थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसका लिंक मैं जो होगा वो डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से डेफिनेटली इसको परचेज कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर जैसे ना जिस टाइम पे ये आती थी ये स्टार्ट, तो उस टाइम पे ये ओरिजिनल जो कंपनी से वो भी सेम ही ये चीज़ें लगवाते थे, सेम किट लगाते थे। तो मैंने ये पूरा जो सामान है अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के अंदर परचेज कर लिया हुआ, क्योंकि 650-700 की ये एक लाइट है, तो ये लगा लो वायरिंग हार्नेस जो होगी 650 की, बाकी वेजल्स हैं 20-22 रुपये की, बाकी ये स्विच होगा 50-60 रुपये का। तो अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरी चार्जेस पड़ गए मेरे को कोई 2,500-3,000 के बीच पड़ गया, ये मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन शॉट पर आपको नजर आ रहा होगा सब कुछ। और मतलब और लेबर चार्जेस आप ज़्यादा लगा लो 500 रुपया पड़ेगा मेरे को इसके, तो मतलब 3,500 या 4,000 के बीच में मुझे ये OEM फिटिंग वाली मिली है, जहाँ पे अगर मैं आफ्टर मार्केट जाऊँ तो वहाँ पे भी मुझे 3,000 में ये प्रॉब्लम थी देखने को मिलेगी। अब आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो कैसा रिस्पॉन्स इनका आता है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो चीज़ आपको आगे चल के देखने को मिलेगी। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे ना ये जो स्विच मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला स्विच, तो बड़े सारे लोगों को होगा ये कहाँ लगता है स्विच, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच जो होगा ना वो यहाँ पे पहले से जगह स्लॉट्स बने होते हैं, तो इन स्लॉट्स को निकाल के ये स्विच यहाँ लगता है। बिल्कुल OEM टाइप फिटिंग जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को। तो ये चीज़ है, ये चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद ना एक ए स्टार में मैं एक और अपग्रेडेशन करूँगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपग्रेडेशन ये रहेगी कि ए स्टार का ZXI वेरियंट जो आता था ना, वहाँ पे आपको एक टैकोमीटर मिलता था। मेरे पास पहले भी ए स्टार थी, तो मैंने खाली सिटी यूज़ के लिए ही रखता हूँ, और यहाँ पे टैकोमीटर आता था, लेकिन इस VXI वेरियंट में ना वो टैकोमीटर नहीं है। तो वो भी टैकोमीटर जो है वो मैंने मंगवा के रखा हुआ है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। ये टैकोमीटर की वीडियो जो होगी मैं जल्द लाऊंगा, तो मैं पहले अभी ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा जो इसको अच्छे से इंस्टॉल करके दे दे मेरे को, तो देन उसके बाद ये वीडियो भी जो होगी वो आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त की शॉप पे, उसकी ना अपनी ये एक्सेसरीज़ की शॉप है, तो वो ही मुझे ये सब कुछ इंस्टॉल करके दे देगा, देन उसके बाद रिस्पांस देखते हैं। तो अभी जो है बम्पर ओपन होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये जितना भी जो मैं काम करवा रहा हूँ ये मैं यहाँ पे आया हूँ कपूर कार एक्सेसरीज़ में, तो फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन है, तो बाकी यहाँ पे जो लड़के काम करते हैं उनका नंबर भी मैं दे दूँगा। फ्रंट का एक कवर जो है वो निकल चुका है, ये कवर था, इसकी जगह ये वेजल्स लगेंगे, और अभी फॉग लैंप इसमें डालेंगे हम, वहाँ पे फॉग लैंप इंस्टॉल कर रहे हैं, और दूसरे भैया यहाँ पे वायरिंग का सेटअप कर रहे हैं।
तो वायरिंग जो वो मेन पार्ट है, अगर आप आफ्टर मार्केट कहीं ऐसा कुछ काम करवा रहे हो तो ये कुछ एक्सपीरियंस बंदों से ही काम करवाएं आप। लाल वाली गांठ के साथ जो छिदी हुई नहीं है तो दोस्तों फाइनली फॉग लैम्प्स हैज बीन इंस्टॉल। तो दिस इज द फाइनल लुक कि आफ्टर फॉग लैम्प को इंस्टॉल करने के बाद किस तरह का लुक आता है। अभी काफी अच्छा लग रहा है, पूरा लग रहा है कि जैसे टॉप मॉडल जैसी फीलिंग आ रही है। पहले तो खाली वेजल्स आते थे जिसमें कुछ भी होजिंग वगैरह नहीं होती थी। तो मैं इसको आपको एक बार चला के भी दे देता हूँ। सो ये कुछ स्विच है, तो इसको आप यहाँ से प्रेस करोगे तो यहाँ से ये कुछ फॉग लैम्प जो है वो ऑन हो चुकी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मिली होगी। एंड अगर आपको भी कोई जेन्युइन पार्ट्स बाय करना तो आप बोर्डमो पे विजिट कर सकते हो। एंड ये जो वीडियो थी ना, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी भी साइड से, बस ये मेरे को लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, वो मैंने शेयर कर दी। तो ऐसे ही आप हर एक गाड़ी के जो है स्पेयर पार्ट्स वो ऑनलाइन बोर्डमो से ऑर्डर वगैरह कर सकते हो।